Okay, now chemical properties. Of carbonyl compounds, it means aldehydes and ketones. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो aldehyde और ketone होते हैं उसमें इस तरह का functional group देखते हैं R C double bond O H, R C double bond O R. ये aldehyde है और ये ketone है. Aldehyde एंड कीटो. तो इन दोनों में अगर हम देखें तो जो ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल में आप देख रहे हैं कि पोलैरिटी है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है. पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दिस वन गेट नेगेटिव चार्ज, दिस वन गेट पॉजिटिव चार्ज. तो इसकी वजह से जो पोलैरिटी की वजह से कार्बन में जो पॉजिटिव आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो हमने यहाँ लगाया है, तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होगा. इसकी वजह से ये किसी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा इटसेल्फ, और कोई न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो सकता है. न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होगा और यहाँ पर अनसेचुरेशन है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पर ऐड होगा बाहर से तो बाहर का इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो सकता है. तो इस तरह से इस पॉइंट पर जो है ये डबल बॉन्ड वाले पॉइंट पर यहाँ पर एडिशन की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन पर अटैक करेगा. तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत कॉमनली आसानी से आप देख सकते हैं कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये दोनों देते तो हैं, बट एल्डिहाइड और कीटोन में कौन फास्ट देगा कौन स्लो देगा ये भी हमें पता होना चाहिए. एल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कि आर ग्रुप है, ओनली वन आर ग्रुप, और जबकि कीटोन में आप देखते हैं दोनों तरफ से आर ग्रुप लगे हुए हैं. जो ये आर ग्रुप है इनका काम है प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करना टुवर्ड्स कार्बोनिल कार्बन. तो इससे क्या होगा, जो कार्बोनिल कार्बन है उसका जो पॉजिटिव की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी इन आर ग्रुप के द्वारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो इससे जब पॉजिटिव की डेंसिटी कम होगी तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल ऐड होना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा. इट मींस कीटोन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो देंगे, जबकि एल्डिहाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या देंगे, फास्ट देंगे. एक तो ये क्लियर हो गया. अब इनको अलग अलग रिएजेंट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे. जैसे पहली रिएक्शन आपको देते हैं रिएक्शन विथ HCl हाइड्रोजन साइनाइड. अगर हम एल्डिहाइड की भी रिएक्शन करें HCl के साथ में और कीटोन की भी रिएक्शन करें तो दोनों में किस तरह से रिएक्शन का पाथ रहेगा, और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि जैसे हम साइनाइड HCl की रिएक्शन कर रहे हैं और कहीं पर RCN कुछ हो सकता है, R की H की जगह पर R हो सकता है, और रिएक्शन की कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा. लेट अगर हम ये करें कि जो ये HCN को अगर हम देखें, HCN को ब्रेक अगर कर दिया जाए तो H पॉजिटिव और क्या होगा, CN नेगेटिव. H पॉजिटिव और CN नेगेटिव. तो इसमें हम देखते हैं कि H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और CN नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है. तो अगर हम इसको एल्डिहाइड में ट्रीट कराएं, सपोज एल्डिहाइड एक ले लिया हमने R C डबल बॉन्ड O H, ये तो इसमें CN नेगेटिव की अगर हम रिएक्शन करें तो CN नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है. CN नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल. अगर ये न्यूक्लियोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ में कोई और भी आप दे सकते हैं, तो CN नेगेटिव हम मान ले रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अगर न्यूक्लियोफाइल है तो तब रिएक्शन कुछ कैसे होगी. देखिए ये यहाँ ऐड होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर सी ओ नेगेटिव और एच और सी एन ये बन गया. दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एच पॉजिटिव जो है इससे रिएक्ट करेगा R C O नेगेटिव C N H प्लस H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा R C O H C N और ये H. तो दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, साइनो
हाइड्रिन। तो इट मींस अगर आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन मींस कार्बोनिल कंपाउंड को अगर HCN के साथ पे ट्रीट करते हैं तो फाइनल कंपाउंड विल बी साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन अगर यहाँ पर बन रहा है तो इसी तरह से आप जो है कीटोन के साथ पे भी ये बना सकते हैं। तो अगर इसी रिएक्शन को कीटोन के साथ पे करें तो यहाँ पर R आ जाएगा। तो अगर इसका मैकेनिज्म, अगर ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में होती है, सपोज लाइक एसिडिक मीडियम प्रोडक्ट तो यही बनेगा, बट मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगी। मैकेनिज्म कैसे हम देखेंगे, जो हमने लिया एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड में क्योंकि हम कह रहे हैं एसिडिक मीडियम है तो पहले H पॉजिटिव की रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव में क्या होगा, आप देखते हैं कि ऑक्सीजन में अगर लोन पेयर है तो ये H पॉजिटिव जो है पहले O पे अटैक करेगा। जब H पॉजिटिव O पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट जो है R C डबल बॉन्ड O H और O पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये जो है जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, यही जो है अपने डीलोकलाइजेशन या कहेंगे रेजोनेंस के माध्यम से इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा। तो ABC का जो है रेजोनेटिंग फॉर्म R ये और H और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो CN नेगेटिव, देखिए यहाँ पहले अगर हम कहें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तब तो ये होगा, मीडियम ही हमने बदल दिया तो एसिडिक मीडियम लेकर के मैकेनिज्म बदलेगी, प्रोडक्ट वही होंगे R C O H पॉजिटिव H प्लस CN नेगेटिव। तो अब यहाँ पे ये अटैक करेगा R C O H C N और यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड H एंड सेम प्रोडक्ट साइनोहाइड्रेट। तो अगर इसको कीटोन के साथ में आप करते हैं तो कीटोन में यहाँ पर भी इस H की जगह पर हमारा R होगा, तो उस R के आ जाने से जो कार्बोनिल कार्बन है उस कार्बोनिल कार्बन में जो पॉजिटिव की डेंसिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। पॉजिटिव की डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर ऐड होने की जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी और उसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि कीटोन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थोड़ा स्लो देगा और एल्डिहाइड जो है फास्ट देगा। तो ये पहला रिएक्शन था HCN के साथ। इसी तरह से कुछ और रिएक्शन है, अगर हम इसका ऑर्डर आपको दें, अगर इसका ऑर्डर दे दें कि एक फॉर्मेल्डिहाइड है और एक फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड है, तो HCN की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड फास्ट देगा, उसके बाद अदर एल्डिहाइड देन सबसे स्लो देगा कीटोन। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर HCN या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो ये ऑर्डर है। नाउ रिएक्शन विथ एल्कोहल, अब इन्हीं का रिएक्शन हम जो है एल्कोहल के साथ में करेंगे तो भी रिएक्शन सेम इसी तरह से होगी। रिएक्शन विथ एल्कोहल, लेट एक कंपाउंड ले लेते हैं हम, कोई CH3 C डबल बॉन्ड O H एक ले लिया और इसके साथ में एक एल्कोहल ले लेते हैं CH3OH और रिएक्शन को किया जाता है एसिडिक कंडीशन पे। अगर ये आपको रिएक्शन दी जाती है तो हाउ विल यू कन्वर्ट दीज रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट, देखिए कैसे होती है रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा, ये एल्कोहल के साथ में रिएक्शन हम कर रहे हैं, रिएक्शन विथ एल्कोहल, इट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ने एल्कोहल से करनी है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दिया है उस पे ये जो मीडियम है एसिडिक मीडियम ये यहाँ अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा तो हमें मालूम है कि जो H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन एटम में ज्यादा है
तो ये एच पॉजिटिव हमारा यहाँ अटैक करेगा, तो पहला स्टेप जो इसका होगा वो इस तरह का होगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच पॉजिटिव, दिस एच पॉजिटिव अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है, तो बन जाएगा आपका सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन में क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन। तो जैसे ये ऑक्सोनियम आयन बनता है ये किससे अटैक करने लगता है आपका एल्कोहल से, एल्कोहल में आप देख रहे हैं सी एच थ्री ओ एच है, तो ये कैसे शिफ्टिंग होती है, यही आइसोमर जो इसी का जो है दूसरा फॉर्म बनता है जिसको कि आप इसका रेजोनेंस बोल सकते हैं, ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो सी एच थ्री सी ओ एच दिस वन इज पॉजिटिव एच, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिक फॉर्म्स है। ओके, तो दूसरे स्टेप में इसी के सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका सी एच थ्री सी ओ एच पॉजिटिव एच फॉर्म किया है ये सी एच थ्री ओ एच के साथ में ट्रीट करेगा, सी एच थ्री ओ एच दिस वन मिथेनॉल, और मिथेनॉल जो है इस मॉलिक्यूल के लिए एक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, इट मीन्स ये न्यूक्लो, ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लोफाइल, ये न्यूक्लोफाइल हो गए तो ये यहां अटैक करेगा, ये इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा बट ये इसके लिए न्यूक्लोफाइल की तरह काम करेगा, इसको आपको देखना है कि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर हैं तो ये न्यूक्लियस लविंग है तो ये न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो यहां प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सी पे अटैक हो गया सी एच थ्री सी ओ एच सिंगल बॉन्ड ओ एच सी एच थ्री, ये सी एच थ्री आपने लिख दिया और ये वाला एच यहां पर बना। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन आपका कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करता है तो इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो आप देखिए आपने इस सिस्टम से जो है एच पॉजिटिव लिया हुआ है तो सिस्टम को एच पॉजिटिव जो है रिटर्न भी करना होता है, तो सिस्टम का जो एच पॉजिटिव है वो वापस यहीं से आना है, इसके बाद ये फर्दर ओ और एच के बीच का बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस एच पॉजिटिव एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी सी एच थ्री सी ओ एच सी सी एच थ्री हियर इज ओ ओके एंड दिस इज एच, दिस वन इज कॉल्ड एसिटल हेमी एसिटल एसिटल इसको बोलते हैं, तो हेमी एसिटल ये फॉर्म किया अल्कोहल के साथ में जो है हमें एसिटल बनाना है, अगर पहले एक अब दोबारा से और रिएक्शन करते हैं तो एक और बन सकता है उसके आगे फर्दर रिएक्शन हो सकती है, तो हमने ये एसिटल बना दिया, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये एसिटल हेमी एसिटल था तो एसिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसी में आगे बढ़ाते हैं इसको, अगर हम इस रिएक्शन को फर्दर एच पॉजिटिव दे करके और सी एच थ्री ओ एच के साथ में ट्रीट करें तो क्या होगा, यहां पर अगर H पॉजिटिव लें तो ये H पॉजिटिव जो है इस कंपाउंड में अटैक करेगा और ये जो ऑक्सीजन है यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ में ये हो जाएगा अटैक, तो ये सी एच थ्री सी ओ एच एच पॉजिटिव हियर ओके ओ सी एच थ्री दिस वन इज H, और जैसे यहां पर जो है आपका पॉजिटिव आया तो ये यहाँ आउट हो जाएगा, तो इसका माने माइनस एच टू, माइनस एच टू बनने के बाद अब देखिए क्योंकि इस पर पॉजिटिव आ जाएगा तो अब इस पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना है, दोबारा से माइनस एच टू तो हुआ ही हुआ, अब हमने एक सी एच थ्री ओ एच का मॉलिक्यूल फर्दर लेना है, तो सी एच थ्री ओ एच का मॉलिक्यूल फर्दर लेते हैं तो वो जो है यहाँ अटैक करेगा, तो अब देखिए क्या बनता है सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री, नीचे तो है ही ओ सी एच थ्री और यहां पर एच है तो यहां पॉजिटिव आ गया, लास्ट एंड फाइनल ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया एच वापस चला गया माइनस एच माइनस एच और कंपाउंड हमारा क्या बना सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री एंड दिस वन इज एच, दिस इज कॉल्ड एसिटल,
हेमी एसिटल माने आधा, एक ही OCS3, अब जितनी भी पॉसिबिलिटी है दोनों जगह OCS3 लगा दे तो एसिटल हो गई। तो कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है। कीटोन में आप देखते हैं कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं यहाँ पर है, CH3 डबल बॉन्ड OH है, ये एल्डिहाइड के लिए है, तो इस H को हटा करके आप जो है CH3 लिख दें तो ये पूरा एसीटोन के लिए रिएक्शन हो जाएगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है एसीटल बनेगा। पहले हेमी एसीटल बनाना है आपने, देन एसीटल बनाना है, तो ये दो रिएक्शन है, रिएक्शन विद अल्कोहल इस तरह से रखेंगे। नाउ थर्ड रिएक्शन हम करेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है देखिएगा, रिडक्शन जैसा कि हमें जनरली मालूम है कि जो रिडक्शन रिएक्शन होगी एल्डिहाइड और कीटोन के अलग अलग प्रोडक्ट बनने हैं, तो लेट हम पहले ले लेते हैं एक एल्डिहाइड CH3C OH। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो आपको पता है कि बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे NaBH4, LiElH4, रेनी निकल H2 लिया, रेनी निकल ले लिया, रेनी निकल एक्टिवेटेड फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में जो निकल है उसको ले लें, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो NiBH4, LiElH4, H2 रेनी निकल, तो इन सब के साथ में जो रिएक्शन होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो हाइड्रोजन प्रोवाइडर का काम करेगा, LiElH4 है हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और जो रेनी निकिल है और H2 उसमें पड़ा हुआ है तो एक्टिवेटेड फॉर्म में हाइड्रोजन उससे एब्जॉर्ब रहेगी, वो हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल आपको मालूम है जब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है तो इसमें पॉजिटिव आता है, तो ऑब्वियसली कि ये सब जो है हाइड्राइड देने का काम करेंगे इसको। तो पहले हमें कुछ इस तरह का मिलता है, CH3 लिखा हुआ है तो CH3CO- ये हो गया, यहां से हमें H- मिलेगा हाइड्राइड, तो H हो गया और ये H हो गया, ठीक है। तो इतना हमें मिला, ये एक तरह का एल्कोक्साइड बन गया, देखिए CH3CH2O-। एल्कोक्साइड जैसा कि हमें मालूम है अल्कोहल के वक्त मिलता है C2H5OH को अगर आप ब्रेक करें तो आपका बनेगा C2H5O-। ओके, तो ये है एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। तो इस एल्कोक्साइड में अगर आप H पॉजिटिव की ट्रीट करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको CH3COH, एंड दिस वन इज 1 degree एल्कोहल। तो इसका माने ये हुआ कि जो आपने एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड का अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले एक एल्कोक्साइड आयन बनता है, वो एल्कोक्साइड आयन जो है H पॉजिटिव लेकर के जो है फाइनली एल्कोहल में चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर आप कीटोन लेते हैं तो कीटोन CH3C OH, जो इनमें से सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपने यहाँ लेना है, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट आप लेंगे इनमें से, उसके बाद सेम कंडीशन जो ऊपर हमने यूज की थी एल्डिहाइड में वही होगा, पाई बॉन्ड आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्राइड आयन इसको ट्रांसफर करेंगे, तो CH3CO- CH3 और यहाँ पे H आ जाएगा, दिस इज एल्कोक्साइड। तो उसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप आप देख रहे हैं, H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक मीडियम जो है CH3COH हियर CH3H एंड दिस वन इज अ सेकेंडरी एल्कोहल, 2 degree एल्कोहल आ जाएगा। तो जब हमने एल्डिहाइड लिया और उसके साथ रिड्यूसिंग एज प्राइमरी एल्कोहल, और अगर आप रिडक्शन करते हैं कीटोन का तो हमें मिलता है 2 degree एल्कोहल।
तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी आपके सामने पूरी है। अब इसी में कुछ रिएक्शंस जो दूसरी हैं वो हैं आपके रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव सब में एक तरह की रिएक्शन होती है। ये भी जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोली जाएगी। तो देखें किस तरह से इसको लिया जाता है। सबसे पहले अमोनिया के साथ पे हम इसको बताएंगे। लेट आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है और इसमें अमोनिया की रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा या क्या होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा मॉलिक्यूल को समझना है। NH3 में आप देखते हैं नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, वन लोन पेयर अवेलेबल है। जब लोन पेयर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और यहाँ पे आप देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ एच दिस बॉन्ड वेरी वेरी पोलर पाई बॉन्ड शिफ्ट टूवर्ड्स ऑक्सीजन तो दिस वन गेट पॉजिटिव चार्ज। तो इट मींस दिस न्यूक्लियोफाइल वेरी इजीली अटैक ऑन दिस कार्बन। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है कार्बोनिल कार्बन तक, दैट्स व्हाई कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए कैसे होता है। तो ये जो है आपका RCO- NH3 पूरा का पूरा NH3 आपने यूज किया यहाँ और ये हो गया हमारा H। तो आपने देखा कि NH3 पे जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल कार्बन पे ऐड हुआ है, तो इट मींस ये लोन पेयर यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कार्बोनिल कार्बन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा हमारा पॉजिटिव। ओके, तो इस तरीके से आप देखें तो ये जो नाइट्रोजन में पॉजिटिव आया है तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो ये बॉन्ड जो ये वाला है बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो ये कंपाउंड और बनेगा, देखिए H जो है पॉजिटिव के रूप में आउट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो H पॉजिटिव आउट हुआ, H पॉजिटिव इसी O नेगेटिव के पास चला जाएगा। RCOH NH हो गए दो और यहाँ पे H आ गया, तो ये कंपाउंड न्यूट्रल हो गया। अगर ये स्टेबल है तो आप रिएक्शन को रोक सकते, लेकिन अगर उस मॉलिक्यूल को जो है क्लोजली आप वॉच करें तो आप पाएंगे कि कार्बन के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दो एटम हैं जो दोनों काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, एक ही जो है एटम से जुड़े हुए हैं, तो इट मींस दिस इज अनस्टेबल। ये अगर अनस्टेबल है तो अब हमने इसको चेंज करना है स्टेबल में, तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये जो OH है ये OH नेगेटिव के रूप में आउट होगा और N और H के इधर आप ये वाला लें या ये दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव कार्बन, ये यहाँ शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड आएगा, ये तो आउट हो ही रहा OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव मिल करके आपका माइनस H2 आउट करेंगे इसमें से और ये हो गया C डबल बॉन्ड NH, here is H, this one is imine, imine, imine is बन गया। हमने लिया था अमोनिया लिया था, अमोनिया से हम पहुंच गए इमीन में। अब इसको शॉर्ट अगर फॉर्म में आप देखें इसको, ये तो दिस इज द मैकेनिज्म, अगर इसको रफली आप देखें समराइज करके देखें तो R C डबल बॉन्ड हो, आर सी डबल बॉन्ड हो, एच ये दिया हुआ था, आपके पास में था अमोनिया, यानी कि आपने कुछ इस तरह से अमोनिया को लिख दिया H2NH, दिस डबल बॉन्ड H2, ये दोनों मिलकर के H2O हो गया, C डबल बॉन्ड NH हो गया। तो देखिए R C H डबल बॉन्ड क्या हो गया NH, आप सामने प्रोडक्ट देख सकते हैं और प्लस क्या हो गया H2।
तो इस तरह से जो अमोनिया को आपने देखा, जिस तरह से अमोनिया का रिएक्शन हुआ, सेम अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव हैं सब सेम तरह की ही मैकेनिज्म शो करेंगे। अब हम इसके बाद एक लेते हैं जो कंपाउंड है रिएक्शन विथ प्राइमरी। अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन, चाहे एल्डिहाइड ले लो या कीटोन, दोनों में इसी तरह से प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसकी रिएक्शन हम ले लेते हैं, एक कंपाउंड भी ले लेते हैं, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। सपोज दैट कि हमने एसिटाइल्डिहाइड लिया, एसिटाइल्डिहाइड के साथ में जो अमोनिया का डेरिवेटिव हम ले लेते हैं सी एच थ्री एन एच टू ले लेते हैं, सी एच थ्री एन एच टू। दिस वन इज अ प्राइमरी यूनिट। अगर इन दोनों के साथ में रिएक्शन होगी तो मैकेनिज्म सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था। नाइट्रोजन में देखिए लोन पेयर है, यहाँ भी आप नाइट्रोजन में लोन पेयर देख रहे थे। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, न्यूक्लियोफाइल NH3 और न्यूक्लियोफाइल CH3NH2 को, तो CH3NH2 एक्ट एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई का इफेक्ट रहता है जिससे कि ये लोन पेयर आसानी से जो है कार्बोनिल ऑक्सी कार्बोनिल कार्बन को दिया जा सकता है। कार्बोनिल कार्बन जब इस लोन पेयर को लेगा तो रिएक्शन और भी जल्दी होगी, बहुत फास्ट, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन में जो ये आपका नाइट्रोजन है इसके जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, तो फास्ट रिएक्शन होगी। तो इसमें इस तरह से रिएक्शन होगी, तेज पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ये नेगेटिवली है, तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ अटैक करेगा। तो इस तरीके से जो इसका कंपाउंड फॉर्म करेगा सी ओ नेगेटिव एन एच एच सी एच थ्री प्लस, यहाँ पर ये तो ये हो गया, बाकी की चीजें क्लियर हो गई। नाइट्रोजन में रहेगा हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन में जैसे पॉजिटिव आता है तो दैट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप देख रहे हैं NH NH है और ये तो NCH3, ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा क्योंकि दिस वन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस सिग्मा बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ये H आपका कहाँ चला जाएगा, एज एच पॉजिटिव ओ नेगेटिव के पास में। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा पहले इस तरह का सी एच थ्री सी ओ एच एच एन एच और ये सी एच थ्री लगाओ। अगर ये स्टेबल है तो आप छोड़ सकते हैं, बट दिस वन स्टिल अनस्टेबल बिकॉज टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच विद द सेम कार्बन। जब कभी भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं आपके किसी सिंगल कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, एक डबल से हो एक सिंगल से हो वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों अगर सिंगल से जुड़े हैं तो वो अभी अनस्टेबल है। तो सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पे हुआ था, आप देखिएगा O और H, O और C के बीच का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा O की तरफ को और N और H के बीच का बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस कार्बन की तरफ को। तो इससे यहाँ तो बनेगा डबल बॉन्ड और ये एच प्लस पॉजिटिव और ये ओ एच नेगेटिव दोनों मिलकर के जो है माइनस एच टू वाटर आउट करेंगे और जो कंपाउंड फॉर्म करेगा हमारा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन सी एच थ्री यहाँ पे एच, दिस इज द फाइनल कंपाउंड। तो ये सेम है, अगर आप ऊपर और इसमें इमीन, ये भी इमीन है, इसमें और इसमें कंपेयर करें तो केवल डिफरेंस है इस एच की जगह पर जो है सी एच थ्री लगा हुआ है। इसी तरह से जो अमोनिया के जो डेरिवेटिव हैं वो और भी हैं अमोनिया के डेरिवेटिव, उनको भी अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे तो वो भी सेम इसी तरह से मैकेनिज्म देंगे। लेट एक हम ले लेते हैं कंपाउंड, इस अमोनिया का डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सिलेमी। नाउ रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन की बात करें तो हाइड्रोक्सिल एमीन होता है हमारा, अगर आप NH3 में से एक H हटा देते हैं और उसकी जगह पर OH लगा देते हैं तो दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इस हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन से करें तो हमें मिलेगा ऑक्सीन वाले प्रोडक्ट में, वो मैकेनिज्म सेम ऐसे ही करना है जैसे अभी किया है। तो देखते हैं क्या होगा, जेलेट की हमने ले लिया
कोई भी ले लेते हैं, R करके ले लें, R C डबल बॉन्ड O H, इस पर हमने रिएक्शन करी NH2OH की, तो मैकेनिज्म आप देख रहे हैं नाइट्रोजन में लोन पेयर हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में भी लोन पेयर हैं, अगर दोनों में कंपटीशन है क्योंकि लोन पेयर इसको चाहिए, क्यों पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा कहाँ ऑक्सीजन की तरफ को, तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है, जबकि ऑक्सीजन में तो दो दो लोन पेयर हैं, आप देखते हैं ऑक्सीजन में दो लोन पेयर हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पॉजिटिव कार्बन को जो है इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो यहाँ पर दो हैं डोनर, दो एटम काम कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ, एक है N और एक है O, इसमें दो आपके लोन पेयर हैं, इसमें एक लोन पेयर है, लेकिन आप देखेंगे इन दोनों में जो है पैटर्न न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा ये N वाला एटम, उसका रीजन है नंबर ऑफ लोन पेयर होने से नहीं होगा, उनमें डोनेशन की कैपेसिटी एक होनी चाहिए, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो आसानी से डोनेट किया जा सकता है, जबकि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्लोजली बाइंड अप होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ अगर एन और ओ में आप देखें किसका एटॉमिक साइज बड़ा है, तो आप नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज बड़ा पाएंगे और ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज जो है छोटा आपको मिलेगा, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर है उसको डोनेट करना आसान है, तो ये लोन पेयर डोनेशन ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन से यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग होगी ना कि ऑक्सीजन से, तो इसको देख लेते हैं, पहले जो बनेगा हमारा आर सी दिस ओ नेगेटिव, यहां पर जो एच तो पहले से है, ये एन एच एच ओ एच दिस वन गेट नाउ पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से जो ये बना भी यही जो है हमारा थोड़ा शिफ्टिंग होगी, इसमें क्या होता है देखिएगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया है तो बात वही हुई कि ये और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, तो इसके पास में NH NH है और ये O बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग रहेगा तो इसको ब्रेक करना थोड़ा टफ होगा, उसका रीजन भी है, बहुत सारे रीजन उसके हैं, क्यों क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर लोन पेयर है, ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बनाने से उसमें और ज्यादा जो है स्ट्रांगनेस आएगी, तो लेकिन हमें क्या करना है इस पॉजिटिव से को न्यूट्रल करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है या ये वाला बॉन्ड या ये कोई भी एक ले सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो जो ये एच है एच एच पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो इस तरह का कुछ मिलेगा, वो एन एच हियर और यहाँ वो एच अपनी जगह बना रहेगा और ये एच हो गया, इस तरह का ये न्यूट्रल जो है कंपाउंड मिल गया है, तो अब आप देखें कि अगर ये स्टेबल है तो इसको एज ए प्रोडक्ट लिया जा सकता है, बट दिस इज नॉट स्टेबल बिकॉज दिस कार्बन देखिए ये वाला कार्बन है, ये कार्बन जो है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है सी ओ एंड दिस इज सी एन, दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल, ये जो है अनस्टेबल स्पीसीज है, तो इस अनस्टेबल स्पीसीज को आपने स्टेबल फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे होगा, ये जो बॉन्ड है आपका सी, ये दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा, ऑक्सी ओ एच नेगेटिव हो गया, यहाँ पर जो पॉजिटिव आता है ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इट मींस माइनस जो है एच टू ओ होगा, जब माइनस एच टू होगा तो आप देखें आर सी यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन है ओ एच और यहाँ आ जाएगा आपका एच, तो इस तरह से एक फाइनल कंपाउंड बना H2O के आउट होने के बाद, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सी, इसको बोलते हैं आप ऑक्सी, तो ये एक अमोनिया का जो डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सिल एमीन उससे रिएक्शन किया, इसी तरह से और भी अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, नेक्स्ट एक डेरिवेटिव और लेते हैं यहाँ पे, ये कंपाउंड जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव है जिसका फॉर्मूला होता है NH2 NH2, तो वो भी सेम इसी तरह से रिएक्शन करेगा
चाहे आप एल्डिहाइड लें चाहे आप कीटोन लें। हाँ, रिएक्टिविटी जो है एल्डिहाइड में ज्यादा होगी, कीटोन में थोड़ा कम होगी। तो कैसे इसको बनाया जाएगा वो देखिएगा। रिएक्शन विथ हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन तो हाइड्रेजीन है NH2। ओके, इट मींस जो अमोनिया है NH3, उसमें से एक एच कम किया आपने NH2 और एक NH2 और लगा दिया, दिस इज द हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन आपने करनी है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। तो कार्बोनिल कंपाउंड आप अगर एल्डिहाइड ले लेते हैं तो देखिए कैसे रिएक्शन होती है, प्लस NH2। ओके, तो NH2 में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन दो है, बोथ आर इक्विवेलेंट, तो दोनों में से किसी भी एक को आप ले सकते हैं। जो कार्बोनिल कार्बन है पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दिस वन गेट नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव। नाइट्रोजन क्या जो एटम है हाइड्रोजन में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये यहाँ अटैक होगा, तो पहले हमें ये कुछ इस तरह का मिलेगा RCO-, दिस H हियर N, H H एंड NH2, और इस नाइट्रोजन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन अगर पॉजिटिव है तो बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस सिग्मा बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड दिस एच पॉजिटिव ऑन ओ नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट इज RCOH H एंड दिस एच हियर NH2, ये बन गया। अब ये न्यूट्रल आपका बना, अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेबल है तो आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये अभी आप देखेंगे कि अनस्टेबल है, बिकॉज दिस कार्बन, ये जो कार्बन है सेंट्रल कार्बन, दिस अटैच विथ टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, दो में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अब आपको इसको तब तक नहीं छोड़ना रिएक्शन को जब तक ये स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो अब इसके बाद स्टेबल करने के लिए इसमें क्या है, देखिए जो इसकी सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे होगी, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, बट जो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखेंगे उसी को प्रिफर्ड पाथ माना जाएगा। यहाँ पे OH नेगेटिव, ठीक, कार्बन गेट करेगा पॉजिटिव चार्ज, दिस NH बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन, तो यहाँ पे बन जाएगा RC, दिस वन डबल बॉन्ड N, NH2 and this H और माइनस क्या हो गया था H2, तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रेजन। अगर आप हाइड्रेजीन लेते हैं, ये हमारा हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन से बनेगा हमारा हाइड्रेजन, हाइड्रेजन। अब आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, एल्डिहाइड बनेगा, तो जो भी एल्डिहाइड होगा उसके साथ में अगर हाइड्रेजीन की रिएक्शन करते हैं तो लेट की एसिटाइल्डिहाइड लिया तो एसिटाइल्डिहाइड हाइड्रोजन बोल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा हाइड्रोजन। अब इसी का हाइड्रोजन से भी आप आगे और कुछ कंपाउंड अगर लेना चाहते हैं, जैसे लेट की आपको रिएक्शन का भी पूछा जाए, फिनाइल हाइड्रोजन, तो कोई टफ नहीं है, हाइड्रोजन आपके सामने है, आपको फिनाइल बना देना है इसका, NH2NH, एक एच हटाओगे C6H5, तो ये फिनाइल हाइड्रोजन है। अगर इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए अगर आप जाएंगे, यहाँ पे H की जगह पर C6H5 मिलेगा, C6H5 एंड हियर आल्सो C6H5, दैट इज द फाइनल कंपाउंड। तो अगर एक बेस अगर आपका क्लियर है तो समझ लीजिए आप उसके बहुत सारे रिएक्शनों को बना सकते हैं, तो इसीलिए क्लियर होना चाहिए एक छोटा सा जो उसका बेसिक पॉइंट है कि कहां पर किस एटम के साथ में रिएक्ट होना है, कौन सा एटम पहले रिएक्ट करेगा, कौन सा एटम बाद में रिएक्ट करेगा। अगर ये क्लियर है तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया जितने भी अमोनिया हैं और अमोनिया के डेरिवेटिव हैं जो भी, उनके साथ में कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन होंगी वो एक जैसी ही होंगी, एक ही पाथ उनका होगा, वो सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ही अंदर होगी। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं इसका ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड कीटोन है, अगर उसको आप ऑक्सीडाइज करते हैं
ऑक्सीडेशन में क्या होता है देखिएगा, अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, देखिए ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो तो आसान है क्योंकि एक सी एच बॉन्ड है, लेकिन अगर आप कीटोन लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ आर, दिस वन इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड है, अगर इसमें कोई आर ग्रुप की जगह आप ले रहे हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो सी सी बॉन्ड है इसको ब्रेक करना टफ होगा, सी सी बॉन्ड है इसको ब्रेक करना टफ है, तो जब ब्रेक करना ही टफ है तो कोई चीज ऐड करना भी टफ होगा, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन को ऐड करना या हाइड्रोजन को आउट करना इसमें थोड़ा टफ रहता है, लेकिन ऑक्सीडेशन जो है एल्डिहाइड का बहुत आसान होता है। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, लेट की आपको मालूम है क्रोमिक ऑक्साइड है, क्रोमिक ऑक्साइड ले लीजिए, या आप ले लीजिए K2Cr2O7 ले लीजिए, या KMnO4 ले लीजिए, और एसिडिक मीडियम में अगर उसको लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी कि एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप कीटोन में ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये होगा बहुत टफ, क्योंकि आसान तो है नहीं, बहुत टफ होगा, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो लेस नंबर ऑफ कार्बन का मिलेगा आपको। लेट कि यहाँ पर देखिए आपने एल्डिहाइड में इसकी जगह अगर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच था तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा मिलता सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इट मीन्स यहाँ दो कार्बन थे तो प्रोडक्ट भी दो कार्बन का मिल रहा है। लेकिन अगर आप एसीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे, सपोज दैट सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री यहाँ होता, क्योंकि आप इस बॉन्ड को तोड़ते तो एक कार्बन हमेशा क्या मिलेगा प्रोडक्ट में कम मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड को लेके सेम नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा, कीटोन में टफ कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा और सेम नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो एक रिएक्शन और इसके जो नॉर्मल रिएक्शन है ये, क्योंकि अभी नेम रिएक्शन इसमें आनी है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ पे रिएक्शन दे रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर इस कंपाउंड को आप ब्रेक करें तो आपको मालूम है कि Na जो है मेटालिक फॉर्म में है, तो Na प्लस और S HSO3 नेगेटिव होगा। अगर इसकी रिएक्शन आप एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में करें तो देखें क्या बनता है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच और प्लस जो है NaHSO3 है। तो जैसा कि हमने पहले बताया आपको सी डबल बॉन्ड ओ है, पाई बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट करेगा, दिस वन इज डेल नेगेटिव दिस वन डेल पॉजिटिव, तो इस वाले पार्ट में आपका ये Na पॉजिटिव है और ये HSO3 नेगेटिव पार्ट है। लेकिन इसमें एक चीज और समझना है कि ये जो Na प्लस तो ठीक है यहाँ ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पर HSO3 में से कौन सा एटम डायरेक्ट कार्बन के साथ में अटैच होगा, इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर एक बनाना पड़ेगा। एक्चुअली S डबल बॉन्ड ओ ओ Na डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है इसका स्ट्रक्चर। अगर आप NaHSO3 का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, अभी भी देख रहे हैं आप एक O, एक दो तीन चार हो रहे हैं, तीन है यहाँ पर, तो हमें एक जगह पर कहीं कम करना है, इट मीन्स ये कम करना है आप, ठीक है। तो ए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए इसके लोन पेयर, तो ये इसका स्ट्रक्चर है NaONaHOO और ये OSO3। तो जो यहाँ पे जो अटैक होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि Na प्लस है तो O पे नेगेटिव है, लिखने के लिए ये लिखा जाता है HSO3 नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव है किस पे, एक्चुअल में O पे नेगेटिव है, तो इसके बेस पे जो इसका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा CH3 C, ऊपर आ जाएगा O Na, क्योंकि ये जो Na पॉजिटिव है यहाँ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो ये O जो है आपका यहां से अटैक करेगा, O हो गया S O दो बचे SO2H,
और यहाँ पे आ गया आपका एच। तो एक सॉल्ट है, ये हो गया आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट है क्या माइनस और ये क्या हो गया प्लस हो गया। तो इस तरह के कंपाउंड बनेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ओके, अब इसके बाद जो रिएक्शन हमारी आनी है वो है नेम रिएक्शन। जैसे कि रिएक्शन आएंगे हमारी एल्डोल कंडेंजेशन या कैनिजारो कंडेंजेशन, वो इसके बाद वाले लेक्चर में आपको।